गांधीनगर का कायाकल्प करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन लगातार बड़े कदम उठा रहा है, और उसी एक बड़े कदम में हम आपको एक ऐसा कदम बता रहे हैं जहां पर पहले गांधीनगर गोल मार्केट में एक पार्क हुआ करता था, फिलहाल उस पार्क को तोड़ा जा रहा है। कारण यह है कि यहां पर जो है ट्रिपल स्टोरी यानी कि तीन मंजिला जो है वो पार्किंग बनाई जाएगी जहां पर वाहन जो है वो खड़े होंगे, और खास बात यह है कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो बनाई जाएगी। और अगर हम आपको बताएं तो इस इलाके का कायाकल्प करने की लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक पॉश एरिया है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या जो थी वो पार्किंग को लेकर थी और ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार जो थी उत्पन्न रहती थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पार्किंग जो है वो बनाई जाएगी, यानी कि अंडरग्राउंड पार्किंग जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि जब पार्किंग बन जाएगी तो उसके ऊपर जो है जो टॉप फ्लोर होगा वहाँ पर जो है एक खूबसूरत सा पार्क भी जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें साउंड और लेज़र शो ये भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे, और अत्याधुनिक जो है सुविधाओं से लैस जो है ये पार्किंग होगी। और यहाँ पर अगर हम कहें, अगर पार्क की हम बात करें तो जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम ट्विन टावर्स देखते हैं, उस तरह के ट्विन टावर की भी बात यहाँ पर की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि गांधीनगर गोल मार्केट में जो बनने जा रहे ट्विन टावर पार्किंग में कुल 729 वाहनों को खड़ा करने की यहां पर सुविधा जो है वो प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा अगर ट्विन टावर की मैं बात करूं तो कुल 230 दुकानें यहां पर बनाई जाएंगी। सेक्शन एक में 115 दुकानें होंगी और सेक्शन दूसरी जो होगी वहां पर भी 115 दुकानें यहां पर होगी। इसी के साथ साथ यहां पर एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा, और एक टावर जो है वो पहलवान के सामने की ज़मीन में बनाया जाएगा, और दूसरा टावर यानी कि दो टावर यहां पर खड़े किए जाएंगे। और दो टावर जब यहां पर खड़े किए जाएंगे तो उसी के तहत जो है स्काई व्यू भी बनाया जाएगा, और जो दूसरा टावर होगा वो साईं मंदिर के सामने की ज़मीन पर वो बनाया जाएगा। इससे जो प्रोजेक्ट की लागत अगर हम कहें तो 240 करोड़ से ज़्यादा की लागत जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि 240 करोड़ रुपए की लागत जो है लगने वाली, और 3 साल का समय जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसके बाद शुरुआती दौर में जो है फंड्स जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। कामकाज जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, तो खूबसूरत पार्क जो है आपको अगले 3 साल के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी भी अगर हम कहें मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, मशीन्स पहुँच चुकी हैं, और ये अंडरग्राउंड पार्किंग जो है वो यहाँ पर बनने वाली है, और गांधीनगर के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि वो लंबे समय से ये कहते हैं कि हम ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना कर रहे थे। तो ट्रैफिक जाम जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होगी, गाड़ियाँ जहाँ तहाँ नहीं खड़ी होंगी, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, और मजबूत ढांचा होगा, और लोग जो है यहाँ पर जो ख़रीदारी करने के लिए आएंगे, तो जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आएंगे उनके लिए एक व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्योंकि सामने अगर हम कहें, सामने भी अप्सरा रोड जो है वो पूरी तरह से उसका भी कायाकल्प कर दिया गया है, और अप्सरा रोड का जब कायाकल्प यहाँ पर किया जाता है तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक की तरह इसको भी बहुत ही खूबसूरत सा एक रूप जो है यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और ये जो पार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो अप्सरा रोड या गांधीनगर गोल मार्केट में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। और देखिए कामकाज अभी भी चल रहा है, यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और 3 साल का समय लगभग जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 3 साल का समय जो है यहाँ पर लगने वाला है, और उसी के बाद जो है ये पार्किंग जो है आम लोगों को हालांकि अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। बेंच यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, खूबसूरत यहाँ पर फूल लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से चांदनी चौक से मैंने आपको दृश्य दिखाए थे उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था हमने आपको दिखाई कि 3 साल के बाद आपको एक यहाँ पर पार्किंग मिलने वाली है ट्रिपल स्टोरी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है व्यवस्था इस प्रकार चलाई जा सकती है कि इस जो रोड पे अप्सरा का जो हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट है यहाँ पर सिर्फ ई रिक्शा ही आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको कोई भी हैवी मोटर व्हीकल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि वो जम्मू व कश्मीर का कायाकल्प करने के लिए आए हैं, और जब भी वो जाएंगे एक मिसाल बनाकर ही जाएंगे, तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो जम्मू के पाले में भी देखने को मिल रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम देखने को लगता है। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू सुहाना।